हेलो गाइस, वेरी वॉर्म वेलकम टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं जस्ट नहा कर आया हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरा हेयर भी ड्राई है, बट कोई नहीं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज बहुत ही लाइक नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, क्योंकि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हर ये जो आज का टॉपिक है, हर एक बिगनर या फिर हर एक इंटरमीडिएट लेवल का बंदा ये क्वेश्चन आंसरिंग करता रहता है। तो कुछ आज हमारा बेसिक क्वेश्चन आंसरिंग राउंड रहेगा। बहुत सारे लोग मैसेज भी करते हैं, या फिर बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन भी है जो हर एक फिटनेस फ्रीक, हर एक जिम फ्रीक जानना चाहता। तो मेरे पास मोबाइल है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं वन बाय वन एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। तो आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा अगर आप इसको लास्ट तक देखते हैं। तो लेट्स गो, वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई का पहला क्वेश्चन है, हाउ ऑफन शुड आई एक्सरसाइज। इस भाई का क्वेश्चन है, हाउ ऑफन शुड आई एक्सरसाइज, मतलब हम कितनी बार एक्सरसाइज करें। देखिए, डिपेंड करता है कि आपके पास, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक्सरसाइज में टाइम का प्रॉब्लम। तो आप, सबसे बेस्ट तो रहेगा कि आप एक्सरसाइज वन ही टाइम करो, बट वो वन टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, बट उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट भी लेना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज आप मॉर्निंग में करो या इवनिंग में करो, बट ट्राई, मैं तो प्रीफर करूँगा कि सिर्फ वन डे में एक ही बार एक्सरसाइज। बहुत लोग दिन में भी करते हैं, मॉर्निंग में भी, देन इवनिंग में भी, वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि फिर उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट भी करना पड़ता है, एंड आई डोंट थिंक सो उसको फुलफिल करने के लिए इतना आसान होता है वो चीज़ क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए कि मॉर्निंग भी करो, इवनिंग भी करो, देन उसके अकॉर्डिंग डाइट भी लो। तो आप किसी एक वक्त करो, या तो मॉर्निंग या तो इवनिंग, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग डाइट लो बस। तो हमारे भाई का सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइम ऑफ डे इज बेस्ट टू वर्कआउट। व्हाट टाइम ऑफ डे इज बेस्ट टू वर्कआउट, इट्स अगेन द सेम थिंग, इट डिपेंड्स ऑन हाउ डू यू फील, लाइक यू आर कम्फर्टेबल इन मॉर्निंग और यू आर कम्फर्टेबल इन इवनिंग। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप मॉर्निंग में करोगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आप इवनिंग में करोगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। किसी इंसान को मॉर्निंग में करने में अच्छा लगता है, किसी को इवनिंग में, किसी को स्ट्रेंथ पावर मॉर्निंग में ज़्यादा मिलती है, किसी को इवनिंग में मिलती है। अदरवाइज रिजल्ट इफ आप प्रॉपर वे में करते हो, दोनों टाइम इक्वली आता। तो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग शुड माई वर्कआउट भी। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितने देर तक हमें वर्कआउट करना चाहिए। सी, अगर आप सिंगल मसल कर रहे हो या फिर डबल मसल भी कर रहे हो, तो मैक्सिमम वन आवर। वन आवर से क्रॉस भी हो सकता है, 1 hour 15 minutes या फिर 1 hour 30 minutes, बट मैक्सिमम 1 hour। बट उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट भी अच्छा रखना पड़ेगा। अगर डाइट आप वीक रखोगे, डाइट आप अपना स्ट्रांग नहीं रखोगे, तो आप 30 minutes में वीक फील करने लगोगे, फिर आपको लिफ्ट करने का मन नहीं करेगा। इसलिए डाइट अपना प्रॉपर रखो, और अगर लाइक लिटरली रिजल्ट अच्छा चाहते हो, तो 1 घंटा तो जिम में देना पड़ेगा विदाउट एनी एक्सक्यूज। ये बात याद रखना। बहुत लोग कहते हैं कि 45 minutes एंड ऑल, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, एटलीस्ट 1 hour विद प्रॉपर, क्योंकि यार 45 minutes में आप पूरी तरह से किसी मसल को ट्रेन नहीं कर सकते, स्पेशली जब आप दो मसल कर रहे हो। तो वन मसल रहेगा तब तो आप कर लोगे, आराम से कर लोगे, विद कार्डियो भी उसके कर लोगे, बट अगर टू मसल कर रहे हो वन डे में, तो एटलीस्ट 1 hour तो आपको देना पड़ेगा। सो आई होप यू गेट दिस आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। डू आई नीड टू वार्म अप बिफोर माई वर्कआउट। या ब्रो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू वार्म अप बिफोर द वर्कआउट, क्योंकि क्या होता है कि आपका बॉडी रेस्ट कंडीशन में होता है, आप सडनली आप किसी भी बॉडी को शॉक कर रहे हो, तो उससे पहले उसका स्ट्रेचिंग, उसका वार्म अप, उसको ओपन करना तो बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शोल्डर का मार एक्सरसाइज आज हिट करने वाले हो, तो बहुत लोग क्या करते हैं, विदाउट वार्म अप दे स्टार्टेड डूइंग शोल्डर प्रेस। उससे क्या होता है कि आपका बॉडी अचानक से वो कंडीशनिंग में आ जाता है, वो शॉकिंग मोड में आ जाता है, वो फिर आपके लिए इंजर्ड होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इट्स गुड, इट्स बेटर टू डू स्ट्रेचिंग, इट्स बेटर टू डू वार्म अप बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्सरसाइज, एनी मसल। तो बहुत ज़रूरी है वार्म अप करना किसी भी एक्सरसाइज का, किसी भी मसल पार्ट का। तो ये चीज़ याद रखना, कभी भी आप जिम जाओ तो एटलीस्ट 3 to 4 minutes आप वार्म अप करो। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड आई डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो और बोथ। सी, इट्स लाइक, अगर आपको, आपका बॉडी का कंडीशनिंग क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लाइक आप थोड़े से फैटी हो, तो इट्स बेटर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करो, एंड उसके बाद एटलीस्ट 5 to 10 minutes कार्डियो भी करो, क्योंकि मेन आपका मोटिव है फैट लॉस करना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से तो आपका जितना ज़्यादा स्वेटिंग होगा, उतना ज़्यादा
बेनिफिशियल होगा, बट आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद अगर आप कार्डियो करते हो तो वो आपका एक प्रॉपर वे में एक्सरसाइज हो जाएगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज इनफ आल्सो, बट अगर आप उसके बाद एटलीस्ट 10 मिनट्स कार्डियो करते हो, हेक्टिक नहीं, इट शुड बी नॉर्मल, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। बट अगर आपको जस्ट फिट रहना है तो दैट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज इनफ। या फिर अगर आपको सिर्फ लाइक जिम वगैरह नहीं करना या फिर वेट लिफ्टिंग नहीं करना, देन कार्डियो इज जस्ट इनफ। बट अगर मेरे से अगर ये क्वेश्चन पूछोगे तो मैं कहूंगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस 5 मिनट्स, एटलीस्ट 5 मिनट्स कार्डियो, दैट इज बेस्ट फॉर योर वर्कआउट। सो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, शुड आई लिफ्ट वेट फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? ऑब्वियसली ब्रो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आपको वेट तो लिफ्ट करना पड़ेगा ना। अगर आपका इंटेंसिटी लेवल आपके आपका जो लिमिटेशन हो उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगा तो फिर उस चीज़ में रिजल्ट अब कैसा आएगा? अगर आप 10 kg का डंबल प्रेस लगाते हो, नॉर्मली से लगा लेते हो पूरा का 12 का 12 रिपीटेशन, तो फिर आप किए क्या? एटलीस्ट यू हैव टू डू द रिपीटेशन इन विच यू फील लाइक ये हार्ड है। आपको वो फीलिंग होना चाहिए, आपको वो दर्द होना चाहिए, तभी तो वो इम्पैक्टफुल रहेगा। तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में लिफ्ट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है जितना आप, बट ऐसा नहीं कि आप ईगो लिफ्टिंग करो, अकॉर्डिंग टू योर लिमिटेशन, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, बट आप अपना लिमिटेशन थोड़ा सा क्रॉस करो। लाइक आप अगर 10 kg लगाते हो नॉर्मली से तो 15 kg ट्राई करो, वो फेलियर कंसेंट्रिक फेलियर रहेगा, कंसेंट्रिक फेलियर रिपीटेशन रहेगा, बट एटलीस्ट 2-3 रिपीटेशन तो आप लगा सकते हो ना, एंड दैट विल बी मोर इम्पैक्टफुल। तो ये कुछ क्वेश्चन थी, आई होप एटलीस्ट जितना मेरे से हो सका मैं समझा सकूँ आपका। फिर कल भी ये क्वेश्चन आंसरिंग राउंड रखेंगे, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें से कुछ मेरे फ्रेंड्स ने भी पूछा था, तो आई होप आपको ये आंसर मिल चुका होगा। एंड प्लीज़ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, थोड़ा सा प्यार दिए। आपका भाई अभी जस्ट नहा कर आया हूँ, ठंड बहुत लग रहा था, तो जब से जब तक आप अपना प्यार नहीं देंगे मुझे अंदर से, और ये बात भी सच है कि आपके प्यार की वजह से ही मेरे अंदर वो मोटिवेशन कॉन्फिडेंस आता है वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ प्लीज़ आपके एक लाइक, आपके एक व्यू से मेरा मोटिवेशन लेवल हमें ऑलवेज ऊपर जाता है। ये आपका एक व्यू भी मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तो मैं हमेशा अपने वीडियो में अपना मैं हमेशा 100% देने का ट्राई करता हूँ। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, थैंक यू ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।